नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह दमंग भोपाल से न्यूज़ रिपोर्टर। हमने आज एक ऐसे तथ्यों पे बात करनी है जो इस टाइम पे बहुत ही दयनीय है। मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने 13 अगस्त 2022 को एक आह्वान किया था, घर घर तिरंगा यात्रा। घर घर तिरंगा यात्रा तो लगाया गया, पर आज के टाइम पे देखा जाए तो तिरंगे की बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। मैंने खुद ऐसे मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए था, समाज में सोशल प्लेस पे लाना नहीं चाहिए था, पर अब मजबूरियाँ हो गई हैं। क्योंकि मैं वो बताऊँगा कि क्यों मजबूरियाँ हो गई हैं। कुछ ऐसे मजबूरियाँ आई जिसकी वजह से ये चीज़ें मुझे उठानी पड़ रही है। घर घर तिरंगा यात्रा की मैं ये वीडियो दिखाऊँगा, ये वीडियो आप पीछे देखिएगा। इसमें तिरंगे के इतना ज़्यादा अपमान किया गया है, इतना ज़्यादा अपमान किया गया है, आज तक मुझे नहीं समझ में आता कि जब से तिरंगे को सम्मान दिया गया, जब से तिरंगे को अस्तित्व में लाया गया, तब से लेके आज दिनांक तक कभी तिरंगे का इतना ज़्यादा अपमान किया गया। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ तिरंगे और राष्ट्रगान के अपमान के लिए किसी मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है। और आज वही प्रदेश है, वही देश है जहाँ पे मुख्यमंत्री खुद राष्ट्रगान और तिरंगे का अपमान करते हैं और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। इसी वजह से मुझे खुद आना पड़ा। मैंने खुद 2000 तक तिरंगे, कम से कम 2000 से ऊपर तक तिरंगे हर घर से हटवाए हैं। ऐसे तिरंगे हटवाए हैं जो फटे हैं, पुराने हैं, झुके हुए हैं। हम क्या बोले, आप पीछे देखिए और आप ही अपना व्यू दीजिए, अपना ही राय दीजिए कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और इन परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है। आप खुद सोचिए, खुद बुद्धिजीवी हैं, खुद देखिए। धन्यवाद। पता है कि राष्ट्रगान के समय हम सभी सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं, तो सभी सावधान खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जंगल मन अधिनायक जाए भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, रावण उत्कल बन भिन्न हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलत तिरंग, तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता, जनगण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता, जय 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 भारत माता की, भारत माता की। सभी अतिथियों से क्या कहेंगे आप इस झंडे के बारे में? झंडे के बारे में क्या कहेंगे, बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है भारत की जो संस्कृति चल रही है। नहीं, इससे पहले कभी इतना दुर्दशा हुआ था तिरंगे का? नहीं हुआ था इतना, ये मोदी काल में ही चालू हुआ। बात तो सही है, रिकॉर्डिंग चालू है। नहीं, ये सम्मान देने के लिए घर घर तिरंगा यात्रा बनाया गया था या इनका दुर्दशा करने के लिए अपमान? नहीं, सम्मान देने के लिए हुआ था। पर हुआ क्या है, इसका जवाब दे कौन? यहाँ जवाबदारी किसकी बनती है? यहाँ पार्टी की जवाबदारी बन रही है, ओनली फॉर सरकार। यस, धन्यवाद।